हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर चैनल जीनियस गुरुस। दोस्तों आज है संडे और मैं हाजिर हूँ आपके सभी कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो में सभी जितने भी मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो भी क्वेश्चंस किए हैं कमेंट में या उनका जो भी इश्यू है वो गाइस इस वीडियो में सभी कुछ क्लियर करेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, हो सकता है आपका क्वेश्चन उसमें पिक हो जाए। एंड गाइस अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइस मैं हर एक संडे में एक Q&A रखता हूं जिसमें सभी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो गाइस चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो दोस्तों सबसे पहले तो चलते हैं कस्टमर चैनल में एंड देन यहां पे हम पिक करते हैं कमेंट्स सारी। गाइस लाइव में आपका पूरा कुछ दिखाऊंगा। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज गाइस इस चैनल पे आपको अर्निंग रिलेटेड एंड अर्निंग कैसे करनी है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगिनर्स एंड फ्रेशर्स के लिए कंटेंट रेगुलरली अपडेट होते हैं। और गाइस आपके एक कमेंट्स पे पूरी वीडियो लेके मैं आपको प्रॉपरली समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो गाइस चलते हैं कमेंट बॉक्स में एंड वहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कमेंट्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं शायद है। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टाइल लव कौन है, ये इन्होंने पूछा है। सर रीडर को पेड व्यूज काउंट करने के लिए आर्टिकल पर कितने देर रुकने पर पेड व्यूज काउंट होगा। उन्होंने ये क्वेश्चन किया है पेड फॉर आर्टिकल्स से रिलेटेड। अगर आप पेड फॉर आर्टिकल्स पर वर्क करते हो, मैक्सिमम मेरे व्यूअर ऐसे हैं जो पेड फॉर आर्टिकल्स पर वर्क करते हैं, और गाइस अगर आप इस पर वर्क करते हो तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यूअर्स को एक जो हमारा पोस्ट होता है उसमें गाइस 2 मिनट तो मैक्सिमम करना ही होता है, तभी गाइस पेड फॉर आर्टिकल के ओनर होते हैं जो रिव्यूअर होते हैं उन्हें ये लगता है। उनका ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टमेटिकली वो वेबसाइट बनाई गई है और उस पर अगर जो भी यूज़र होता है वो टिकता है तो गाइस ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है हो जाता है। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि इसमें कोई बग्स वगैरह आ जाता है या यूज़र आया आपके आर्टिकल पर क्लिक किया एंड गाइस उसने बिल्कुल निकल गया, फिर उसने बिल्कुल उसमें पढ़ा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में होता ही है कि जो भी अकाउंट होता है वो भी माइनस हो जाता है, बिकॉज इसका टाइम ड्यूरेशन गाइस 2 के ऑलमोस्ट होता है। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सो गाइस यहाँ पे लिखा है तो आपने एक एक स्टेप बहुत क्लियर से समझाया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने पॉजिटिव कमेंट लीव किया। और गाइस इस वीडियो में मैंने जो बताया था वो आपको ब्लॉग के बारे में बताया था, कस्टमाइजेशन बिगिनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अट्रैक्टिव सा ब्लॉग बताया था। गाइस एक बार वीडियो को विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पे है सामंता से, ये क्या है जो भी है गाइस। इन्होंने क्वेश्चन किया है ईमेल डोमेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और इनका क्वेश्चन था पेड फॉर आर्टिकल्स के एक में जो मैंने बताया था कि उस पर कैसे आपको एक वेबसाइट है जिसपे आपको ओनली टाइटल डालना है एंड गाइस वो 1000+ आपको आर्टिकल्स अपने आप डेकोरेट करके दे देगी जिसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एंड एडिट करके अपना जो भी लिंक्स वगैरह अट्रैक्टिव SEO टाइप बना सकते हैं। तो गाइस वो मैंने बताया था इस वीडियो में, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और इनका जो क्वेश्चन है उसका शॉर्ट आउट ये है गाइस कि जब भी अगर मैंने जो ईमेल बताया, जो टेम्पररी ईमेल बताया था, अगर वो वाली temp.org काम नहीं करते हैं। गाइस इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको टेम्पररी ईमेल प्रोवाइड करती हैं, आप चाहें तो उन्हें विजिट करके उन पे भी रजिस्टर करके वो ट्राई कर सकते हैं, बट मैनी टाइम्स ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल हो जाते हैं ईमेल्स। गाइस आप दूसरा ईमेल ट्राई कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट से। ओके एंड देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे एक अनुज कुशवा ये भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया है नेक्स्ट वीडियो बनाओ 11th क्लास में हो तो कैसे पार्ट टाइम वर्क। गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ ये सब पार्ट टाइम वर्क से ही रिलेटेड हैं। आप 10th में हो, 11th हो या 12th हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे 10th वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। गाइज अगर आप सतीश के वीडियोस और भी इंटरनेट पर काफ़ी इंटरव्यूअर की वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें हमने देखा होगा कि किसी एक गांव के लड़के ने मोबाइल से ही ब्लॉगिंग करके कमाए महीने के 70,000। तो गाइज ये लोग ऐसे ही होते हैं जो अचानक से कोई नहीं बिल्ड कर लेता, गाइज सभी को स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। और इस चैनल पर आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। सो गाइज आपके क्वेश्चंस का आंसर मे बी ये हो सकता है कि आप 10th में हो या 12th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टार्ट कर सकते हो और करो अच्छे से ब्लॉगिंग करो या पेड फॉर आर्टिकल राइटिंग करो, कुछ भी करो गाइस, बट एक स्किल को प्रिपरेशन करो और सी पे वर्क करो गाइस। बस एक प्लेटफॉर्म आप चूज करो, बस भटको मत या यूट्यूब ब्लॉगिंग ये वो बिल्कुल मत भटको गाइस, कॉन्सेंट करो अपने गोल पर एक ही, या ब्लॉग या यूट्यूब या फाइबर या अदर जो भी आप करना चाहते हो या पेड फॉर आर्टिकल्स की वेबसाइट पर। ठीक है तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट में पूछा गया है कि ब्रो आपने ऐड करने के लिए क्लिक किया था, आप जो डैशबोर्ड बता रहे हो वो वहाँ नहीं कौन सा आ रहा है।
सो गाइज मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे डैश अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो या प्रॉपर नहीं देखते हो तो गाइज हो सकता है आपको ये इशू फेस करने को मिला हो, और अगर फिर भी मिल रहा है तो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल आर्ट को भी विजिट करके अबाउट सेक्शन में देख सकते हो, वहाँ पे भी मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे स्क्रीन शॉट दे सकते हैं जो भी आपको इश्यू आ रहा है। मैं एनी डेस्क के थ्रू आपका सिस्टम कंट्रोल करके पूरी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड आई होप मैं कर पाता हूँ गाइस। आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज जरूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सर आपने हाफ वीडियो बनाया है, पूरा बनाया आपने ये नहीं बताया कि ऑल मार्केटिंग पे पैसे कैसे। ये जिस भाई ने भी क्वेश्चन किया मैं उन्हें बता दूं, देखिए होता है ऐसे है कि अगर मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ वैसे भी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, और ये तो एक छोटा सा इशू है गाइस। पैसे ऐड करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता, जिस तरीके से आप किसी और पोर्टल्स वगैरह पे करते हैं सेम टू सेम वही प्रोसीजर रहता है, बट ये है कि कहीं पे कोई कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता, कहीं पे कोई होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें वीज़ा का कार्ड एक्सेप्टेबल है, आप वो उससे ऐड कर सकते हैं एंड जो काम है वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट क्या है, सनी जी आर एस, और लिखते हैं ये भाई ब्लॉगर वेबसाइट कैसे मोनेटाइज करें। सो मैं आपको इसमें बता दूं, ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पे एक सीरीज चल रही है गाइस, दो ट्यूटोरियल्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक अमेजोन का फ्री में ब्लॉग कैसे बनाएं, अट्रैक्टिव सा ब्लॉग गाइस, कस्टमाइजेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया था, एंड देन सेकंड पे मैंने बताया था प्लेलिस्ट, इसकी ब्लॉग्स की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे क्रिएट कर दी है स्पेशली आप लोगों मैंने से ही, और गाइस और रिसेंटली एक वीडियो मैंने ब्लॉगिंग से रिलेटेड डाला है जिसमें आप फुल अट्रैक्टिव सा ब्लॉग बना के अपनी जो है डेली एक आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मोनेटाइजेशन के लिए हमारे चैनल पर समथिंग 30+1000 वर्ड्स प्लस होना चाहिए, 30 आर्टिकल्स, ओके, एंड हर एक आर्टिकल्स में एसईओ एंड प्रॉपर ऐसा होना चाहिए, यूनिक टाइप मस्त सा एकदम यूनिक टाइप ऑफ गाइड। गाइस अगर आपका इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बना रहा हो तो मैं आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड प्रो टिप्स स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगिनर्स के लिए गाइस, जिस तरीके से मैंने सीखा उसी तरीके से बिगिनर्स के लिए गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा आपके लिए, एंड बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको एक दो मंथ बढ़िया से डेडिकेटेड होकर ब्लॉगिंग पे वर्क करना है, और गाइस ब्लॉगिंग से इतना पैसा आता है कि कुछ पूछो मत गाइस, YouTube से ज़्यादा और पेड फॉर आर्टिकल से ज़्यादा भी। पेड फॉर आर्टिकल्स में जैसे कि आप आर्टिकल्स लिखते हो, आप अपने खुद के आर्टिकल्स ब्लॉगिंग बनाकर अपना खुद का उस पर पब्लिश करो तो उस पर ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज गाइस वो कहते नहीं हैं अगर हम किसी के अंडर वर्क करेंगे तो उतना हमें बेनिफिट नहीं होता, बट अगर हम अपने लिए वर्क करेंगे और हमारा ही कोई इनकम सोर्स जनरेटर खुद का बिल्ड होगा, सो गाइस मैं डेफिनेटली आपको श्योर के साथ कह सकता हूँ, आप अपना अगर ब्लॉगिंग क्रिएट करते हो तो आपका लगभग एक दो मंथ में मोनेटाइज हो जाएगा एंड बहुत अच्छी खासी इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हो। सो गाइस हम्बली मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने ब्लॉग पे ही वर्क करें। गाइस चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, एंड यहाँ पे लिखते हैं मुकेश राजपूत, यहाँ पे लिखते हैं जीनियस गुरु इट्स अमेजिंग ब्रो, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, मनोज कुमार, ठीक है, इन्होंने लिखते हैं जीनियस गुरु दिस ट्रिक इज रियली हेल्पफुल, आपकी सारी वीडियोज में यूनिक देखने को मिलता है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच आपका एक मोटिवेशन कमेंट के लिए, अंदर से भी मोटिवेट होता है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, बहुत अच्छे से गाइस मन भी लगता है नेक्स्ट वीडियो बताने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ, और ये कोई है आयुष भाई, ये लिखते हैं सर ऐसी वेबसाइट का अल्टरनेटिव बताना जिसमें पेपल या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, मेरे पास कार्ड नहीं है प्लीज़ सर। ओके मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी ऐसी वेबसाइट, बिकॉज ऐसा होता है कि पहले वेबसाइट को सर्च करो फिर उसे खुद पे ट्राई करके देखना पड़ता है अगर वो सही रेस्पॉन्सिबल है, सही रेस्पॉन्स दे रही है। सो गाइस उसी में वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं भी ये नहीं चाहता कि आपका कहीं पे कोई लॉस हो जाए, और गाइस जो चीज़ मैं खुद पे ट्राई करता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये सही है तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बट तो वो बात अलग है कि आप उसे अगर अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, बिकॉज काफ़ी सर्वर काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करते तो उसमें हमें लॉस ही होता है। ऐसे अगर हम बात लेते हैं गूगल एडवर्ड्स की, अगर गूगल से पैसे लगा के एड्स लगाते हो अगर उसमें भी अपने टारगेटिंग ऑडियंस सही से सेट करना नहीं आता तो गाइस उसमें भी यही इश्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस ये हैं संजीव कुमार, लिखते हैं भैया पिछली वीडियो में अपने ऑल मार्केटिंग ट्रेंड वेबसाइट के बारे में बताया था जिस पर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके तो आप अपनी वीडियो पर ज़्यादा व्यू क्यों नहीं बढ़ा लेते। सो मैं आपको बता दूं गाइस
ये कमेंट शायद मुझे लगता है कहीं तक गलत है, बिकॉज देखिए मेरा क्या रहता है कि जब तक आपकी जेन्युइन हेल्प ना कर लो, देखिए ये जो है ये जो प्रोवाइड कराती है ये वाली वेबसाइट, वो गाइस एक रोबोटिक टाइप व्यू प्रोवाइड कराती है, और गाइस मैं नहीं चाहता कि रोबोटिक टाइप कोई मेरे यू चैनल पे कोई लाइक कमेंट्स या व्यूज वगैरह इंक्रीज करे। ये चैनल स्पेशली क्रिएट किया गया है हेल्प के लिए गाइस, मेरा और कोई मोटिव नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कुछ भी आपको मिसगाइड करके, बिकॉज आपको भी पता है इंटरनेट पे मिसगाइड कितना हो रहा है यूट्यूब पे, और उन वीडियो पे लाखों करोड़ों व्यू चले जाते हैं गाइस, बट गाइस मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये चैनल स्पेशली आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, तो इसलिए मैं इधर उधर से कुछ भी ज़्यादा रोबोटिक टाइप व्यूअर या सब्सक्राइबर नहीं लेना चाहता। एंड चलते हैं नेक्स्ट कमेंट में, तो यहाँ पे लिखते हैं राजीव झा और लिखते हैं ब्रो प्लीज़ बताओ, मैंने अभी एक सर्वे कंप्लीट किया है अभी और मेरे पॉइंट्स ऐड नहीं हुए हैं, मेरे सर्वर मोनिक्स पे किया है, जो क्या करूँ। ठीक है, तो राजीव झा जी मैं आपको बता दूं कि देखिए आपको क्या करना है, सर्वे आप करते जाइए, पॉइंट्स जो हैं वो ऐसा होता है कि जो सर्वे आप करते हैं वो सर्वे वेरिफिकेशन के लिए रिव्यू में होते हैं, जब वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं आफ्टर 24 या 48 डेज भी लग जाते हैं, बट इस बात का कोई इश्यू नहीं है, आप सर्वे अपने कंप्लीट करते जाइए, वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स आपके वहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे और उससे आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ एंड लिखते हैं रवि सहजादे, तो ये लिखते हैं कि सर मेरा अप्रूवल वाला आर्टिकल पूरा शो ही नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है। सो मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी बग या कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत मिनिमम प्रॉब्लम्स होती है ये कि आर्टिकल्स अप्रूव किया हुआ शो नहीं होता, और अगर आप लोगों के साथ ज़्यादा ये चीज़ हुई है तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं ज़रूर पेड फॉर आर्टिकल्स की जो सपोर्ट टीम है उससे ज़रूर बात करूँगा, बिकॉज मैंने उनकी वेबसाइट जो है वो प्रमोट की है, तो वो मेरा जो कॉन्टैक्ट है उनसे बहुत जल्दी गाइस होता है और जल्दी मेरे मैसेज का रिप्लाई देते हैं, बिकॉज वो उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो उनका ये चीज़ तो आपको भी पता होगी कि अगर कोई बंदा अगर कोई कंपनी की कोई ज़्यादा सेल्स वगैरह करवाता है तो उस पे वो ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं, उसे ज़्यादा अप्रोच करते हैं, तो इस वजह से गाइस अगर आपके ज़्यादातर ये मैक्सिमम कमेंट आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो गाइस आई होप आपके क्वेश्चन इसमें से मैक्सिमम कवर हो गए हो, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है मेरे वीडियोज़ को लेके तो गाइस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा, और गाइस मैक्सिमम कमेंट्स का मैं आंसर देता ही हूँ, सभी का आंसर देता हूँ गाइस, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और नेक्स्ट में हो सकता है वो पिक हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगा। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ यार अपना कमेंट और अपना हमें टॉपिक सजेस्ट किया करो, बिकॉज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं रहता और मुझे ये नहीं पता चलता कि आपको किस रिगार्डिंग हेल्प चाहिए। सो गाइस मुझे प्लीज़ कमेंट किया करो टॉपिक, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय।